यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, दो स्त्रियां थी जो एक ही मां की बेटी थी। वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियां कुवारपन में पहले वही मिंजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला था और उसकी बहन का नाम ओहोलिबा था। वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। उनके नामों में से ओहोला तो शोमरोन और ओहोलिबा यरूशलेम है। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी, जो उसके पड़ोसी अश्शूरी थे। वे तो सबके सब नीले वस्त्र पहनने वाले मनभावने जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे। सो उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया जो सबके सब सर्वोत्तम अश्शूरी थे, और जिस किसी पर वह मोहित हुए उसी की मूर्तों से वह अशुद्ध हुए। जो व्यभिचार उसने मिस्र में सीखा उसको भी उसने न छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियां मिंजी और तनमन से उसके साथ व्यभिचार किया गया था। इस कारण मैंने उसको उन्हीं अश्शूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी। उन्होंने उसको नंगी किया, उसके पुत्र पुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया। इस प्रकार उनके हाथ से दंड पाकर वह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई। उसकी बहन ओहोलिबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई। वह अपने अश्शूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सबके सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और प्रकार के प्रधान थे। तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई। उन दोनों बहनों की एक ही चाल थी, परंतु ओहोलिबा अधिक व्यभिचार करती गई। सो जब उसने भीत पर सिंदूर से खींचे हुए ऐसे कस्ती पुरुषों के चित्र देखे जो कटी में फेटे बांधे हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली पगड़ियां पहने हुए और सबके सब अपनी कस्ती जन्मभूमि अर्थात बाबुल के लोगों की रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे, तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कस्तियों के देश में दूत भेजे। सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए और उसके साथ व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया, और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई तब उसका मन उनसे फिर गया। तो भी जब वह तन उघाड़ती और व्यभिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था वैसे ही उससे भी फिर गया। इस पर भी वह मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वह वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई और ऐसे मित्रों पर मोहित हुए जिनका मांस गद्धों का सा और वीर्य घोड़ों का सा था, तो इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण करती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मींजते थे। इस कारण हे ओहोलिबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं तेरे मित्रों को उभार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात बाबुलियों और सब कसदियों को और पकोद शो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब अश्शूरियों को लाऊंगा, जो सबके सब घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि प्रधान और नामी पुरुष है। वे लोग हथियार रथ छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे, और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे, और मैं तुझ पर जलूंगा जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे
और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा। वे तेरे वस्त्र भी उतारकर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या सा काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा, यहां तक कि तू अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेंगी, क्योंकि प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिनसे तू बैर रखती है और जिनसे तेरा मन फिर गया है, और वे तुझसे बैर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई और उनकी मूर्तें पूजकर अशुद्ध हो गई है। तू अपनी बहन की लीक पर चली है, इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यो कहता है, अपनी बहन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है। तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है। तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी। उसमें से तू गार गार कर पिएगी और उसके ठीकरियों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि महीने ऐसा कहा है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है, तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मुझसे ऐसा फेर लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू ओहोला और ओहोलिबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता दे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने लड़के बाले जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उनको मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है। वे अपने लड़के बाले अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है और उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा और वे चले भी आए। उनके लिए तू नहा धो, आंखों में अंजन लगा, गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। तब उसके साथ निश्चिंत लोगों की भीड़ का कोलाहल सुन पड़ा और उन साधारण लोगों के पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। उन्होंने उन दोनों बहनों के हाथों में चूड़ियां पहनाई और उनके सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे। तब जो व्यभिचार करते करते बुढ़िया हो गई थी उनके विषय मैं बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे, क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं, वैसी ही वे ओहोला और ओहोलिबा नाम महापापिनी स्त्रियों के पास गए। सो धर्मी लोग व्यभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उनका न्याय करे, क्योंकि वे व्यभिचारिणी है और उनके हाथों में खून लगा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई करके उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लूटी जाएगी, और उस भीड़ के लोग उनको पत्थरवाह करके उन्हें अपनी तलवार से काट डालेंगे। तब वे उनके पुत्र पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे। इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं।